ईद मुबारक जुबी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेयर शो। आप सब कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज है ईद, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का मेरा आउटफिट था ये जुबी। गाइस को हेलो कर दो, करो। जुबी सैड हो गई, तो अभी मम्मा ने खीर बनाई है, हम खीर खाएंगे फिर हम लेंगे पापा से ईद दे। तो चलिए खीर खाते हैं। ये हमारी खीर। अस्सलाम वालेकुम, खीर खा लो। तो ये हमारी खीर, तो चलिए जल्दी से खीर खाते हैं। अच्छा अच्छा, खीर खाएंगे, खीर जल्दी मैं खिलाऊंगा। आयु भी क्यों सैड हो रही हो, क्या खाना है? खीर खाएंगे, खीर जल्दी। अच्छा, ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक बोल लो जल्दी सबको। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। खीर बहुत टेस्टी बनी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने नेबर को मिठाई देने। में मिठाई लेकर आ रहे हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूं। अब टाइम है इधर लेने का। आज मैं क्यों ना कदम आ गए। देखो इधर देखो, अभी आपको भी दूंगा, आपको भी अलग से दे दी। अब जूबी को दूंगा, जूबी की दी है, ये गुवर की, ये जूबी की है, ये लो, और ये ईसा की है। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। हां आ जा पानी खीर खाओ ना, खीर बनी है। खीर खा ली पापा, आज मुझे नाश्ता बाहर करना है। अरे खीर अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खीर है। पापा खा ली ना हमने खीर, आज मुझे नाश्ता को बाहर करना है। कहाँ करना है? डोमिनोज। डोमिनोज चलना है, ठीक है चलो। तो गाइज हमने तो घर पे थोड़ी सी खीर ही खाई थी मुंह मीठा करने के लिए, और अब हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए डोमिनोज। तो गाइज ये डोमिनोज हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 10 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन आज वेदर बहुत गर्म था और बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ तो वानिया का ज़बरदस्त फोटो शूट चल रहा था, वानिया यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी। तो गाइस जब तक हमारा पिज्जा रेडी हो रहा था, जब तक पापा ने हमें यहाँ पर फ्रूटी लाकर देती थी, बिकॉज जुबी का मूड बहुत खराब हो रहा था। जुबी को फ्रूटी चाहिए थी, जुबी का मॉर्निंग ड्रिंक फ्रूटी ही है। हमारा नाश्ता आ चुका था। नाश्ते में था पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, बटर स्कॉच और कोल्ड ड्रिंक। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फूड था। हाय 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 हाय, मजे सब बहुत मजे का है और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब पॉसिबल होता है पापा की वजह से। मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच इतना स्पेशल फील कराने के लिए। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आपने क्या खाया डोमिनोज में? पिज्जा और मैं बताओ फ्रूटी भी पी, मजा आया, बहुत एंजॉय किया आपने। वहाँ हेलो कर दो, हेलो दोस्ते कैसे हैं। ईद मुबारक भी बोल दो। बहुत बहुत मुबारक हो, और हम नाश्ता करके आ गए और हमने बहुत इंजॉय किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने अपनी ईद कैसे मनाई। हमने तो अपनी ईद को बहुत इंजॉय किया। हो सकता है शाम को मेरे पापा चाचा आए, क्योंकि वे यहीं पर दिल्ली में रहते हैं। अगर आए
कोशिश करूंगी उनके साथ भी क्लिप लेने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। अब जल्दी से मैं इन कपड़ों को चेंज कर देती हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगती है। तो देखिए यहाँ पर वाने बहुत मस्ती कर रही थी, वाने बहुत थक गई थी और सोने के लिए चिड़चिड़ कर रही थी। तो गाइस ये देखिए पप्पो लोग सब आ चुके हैं और ये देखिए पप्पो यहाँ पर कैमरे में नहीं आ रही थी, ये इनके बच्चे हैं। हम एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे थे और देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। उनके आने से हमारी ईद और भी अच्छी हो गई और हम बहुत खुश और घर में और बहुत रौनक भी हो गई थी। हम सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। के बड़े लड़के हैं अली भाई और ये मेरे पप्पो की छोटी लड़की है अमीरा और ये सबसे छोटा भाई है अरहान। हाय गाइस, हाय गाइस, पप्पो सबके लिए नाश्ता लग चुका है, हम इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए नमकीन, समोसे, पपाया, मिठाई, खीर, तो देखिए यहाँ पर खाना लग चुका है और सब खाने को एंजॉय कर रहे हैं और मम्मी ने यहाँ पर बिरयानी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनाई थी। वीडियो को एंड करने लगी तो अभी हो रहे हैं रात के 12:30 और पप्पो लोग भी सब जा चुके हैं। उनके आने से घर में बहुत रौनक हो गई थी और हमारी ईद भी बहुत अच्छी हो गई थी, अब वे चली गई हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव फेस।